हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए देखते हैं आज राहुल क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे ग्राहक आया था, उसको कीनू चाहिए 10 किलो। तो किसी ग्राहक को कीनू चाहिए, इसीलिए वो छांट रहे हैं। अच्छा अच्छा दे देंगे, क्योंकि ये जूस वाला है तो इसमें छोटा बड़ा सब निकलता है। ये अच्छा अच्छा चुन के दे देंगे, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं तो खराब चीज नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं। ये है कीनू, नारंगी मौसमी जो होता है ना, उसी का है। ठंड के मौसम में यही आता है। खाने वाला जो होता है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है, जूस वाला ये है छोटे साइज का। तो देखिए, और मेरी बेटी सानी क्या पी रही हो बेटा? दूध पी रही है। कितना लेगा? आजा बेटा, और गरम दूध डाल दे। 10 किलो लेगा। 10 किलो? तो ग्राहक ने 10 किलो कीनू मांगा है। इसको आप कीनू बोल सकते हैं। संतरा भी देखिए, जो खाने वाला होता है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है। हाँ, तो ये जूस वाला है, तो हम लोग इसको मतलब जूस वाला छोटा भी चलता है। तो जल्दी जल्दी चुनिए। हाँ, ये ठंडियों का ही फल होता है, ये गर्मियों में नहीं मिलता है। और इसको खाने से बहुत ज्यादा फायदा है, इसका जूस पीने से, इसको खाने से। ये नारंगी नहीं है, नारंगी मत समझिएगा, ये कीनू है। कीनू बिछानी ऐसे नहीं करते बेटा, अच्छे से पियो। चम्मच ले लो। दस किलो देना है, 10 किलो निकलेगा इसमें। सो गाइस, देखिए छाट रहे हैं सारे। इसमें कितना सारा वो है, लरुआ, गाय को खाने वाला पुआल। अगर ये पुआल नहीं देगा ना तो ये आपस में टकरा के फट जाएगा केला। बहुत सारा खराब भी निकलता है दोस्तों, इसमें से कटा फटा भी बहुत सारा निकलता है। कोई दब गया तो खराब हो जाता है। इसकी खेती जो होती है ना, वो आगरा में होती है और राजस्थान में होती है, दो ही स्टेट में होती है। तो हो गया फ्रेंड, देखिए हो गया। किन्नू मैं उनके यहाँ पहुँचा के आता हूँ, आइए देखिए। चलिए देखते हैं, यहीं घर के बगल में रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये दरवाजा खुल गया, अब ये जाएंगे। अभी जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। उस वाले घर पे जाएंगे देने के लिए। चलिए वो आते हैं, तब मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, मुझे लेट हो गया किन्नू देके आने में, क्योंकि वहाँ थोड़ा काम था उन लोगों को, इसीलिए थोड़ा लेट लग गया। और आज का ब्लॉग इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते हैं ना, तो हमारा जो है ना मोटिवेट होते हैं, मतलब हम मोटिवेट होते हैं और हमें मोटिवेशनल मिलता है, और हम इस पर और अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सब्सक्राइब करें। तो आज का ब्लॉग इतना ही, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।